सेम मेथड फॉलो होगा, राइट इन वर्ड्स प्लस न्यूमरल्स। कल हमने टॉपिक किया था राइट इन वर्ड्स, आज हम जो है वर्ड्स से न्यूमरल्स में शिफ्ट होंगे। हमने क्या करना है, हमने करना है अब हमें वर्ड्स में गिवन होगा, जैसे आप लोग बोलते जाते हो ठीक है ना, और हमने उसको कन्वर्ट करना है किस चीज में, हमने उसको कन्वर्ट करना है स्पेलिंग्स में। ओके, जैसे आप लोगों के लिए डिक्टेशन होती है, टीचर आपको डिक्टेट करती है और आप लोगों ने क्या करना होता है, स्पेलिंग्स राइट करने होते हैं, या इमला जब आप लोग राइट करते हो, टीचर वर्ड बोलता है और आप लोग उसको राइट करते हो। सेम लाइक दिस डिक्टेशन एंड इमला, यू पीपल राइट इन वर्ड्स, इन न्यूमरल्स, इन वर्ड्स आपको गिवन होंगे ठीक है। जैसे आप बोलते हो, जब आप कोई भी नंबर प्रोनाउंस करते हो, यू पीपल प्रोनाउंस जस्ट लाइक दिस 275, नॉट लाइक दिस 275। रूटीन में जब आप लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो आप जो भी नंबर प्रोनाउंस करते हैं आप उसको एग्जैक्ट वर्डिंग में बोलते हैं। अगर आप में से कोई भी कहे 275 तो आपको समझ नहीं आएगी कि 275 क्या है, या आप में से कोई बोले 20, व्हाट इज मीनिंग बाय 20। अगर कोई कहे 31, व्हाट इज मीन बाय 31। आप लोगों ने उसको एग्जैक्ट वर्ड्स में बोलने होते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। अगर आप बोलते हैं 31 इंस्टेड ऑफ 31, अगर आप लोग बोले 31, सो इट्स इजीली अंडरस्टैंड, आप लोग इसको आसानी से समझ जाएंगे कि हमें जो बताया जा रहा है वो क्या है। ओके ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये, आप लोगों ने डिक्टेशन वर्ड्स नहीं राइट करने बच्चे, ये आप लोगों को मैं जस्ट इन दोनों को मैच करके बता रही हूं कि जैसे आप लोगों को डिक्टेट करवाया जाता है इंग्लिश में, सेम लाइक दिस मैं आप लोगों को वर्ड्स में बताती जाऊंगी आप लोगों ने क्या करना है, आपने उसको न्यूमरल्स भी नंबर्स में राइट करना है, उसको कन्वर्ट करना है। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है न्यूमरल्स मीन नंबर। ओके, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, क्लियर। सो 275 जब आपके लिए वर्ड आता है 275, आप लोगों ने इसको बोलना क्या, राइट कैसे करना है डिजिट में, न्यूमरल्स में, आर नंबर में। ऑटोमेटिकली कितने हंड्रेड है, 200 ठीक है, 200। 70 मीन 7 times, 5 मीन 5। सो इन नंबर, in numerals and in number 275 is right just like 275। बच्चे आप में से मेजोरिटी बच्चों की मिस्टेक क्या होती है, जब आप लोग कोई भी नंबर राइट करते हो और उनसे कहा जाता है कि राइट 275, वो लोग राइट करते हैं 200, 70 and 5, ये करेक्ट वे नहीं है ठीक है। वो तो आपके पास 5 to 6 डिजिट नंबर बन जाता है, आप रिमाइंड रखिए कि 100 में आपके पास ओनली 3 डिजिट्स होते हैं, 3 डिजिट्स नंबर है 100। तो आप जब राइट करेंगे तो आपने 100 में 3 डिजिट से इंक्रीज नहीं होना, अगर आप इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वो आप लोगों के पास नेक्स्ट प्लेस वैल्यू में शिफ्ट होगा, क्लियर, समझ आ रही है। अभी आप लोग सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करेगा कि राइटिंग का कोई वर्क नहीं है ठीक है। जब राइटिंग की बात होगी, प्रैक्टिस की बात होगी, फिर मैं आपको अनाउंस कर दूंगी कि नो यू पीपल आर रेडी ओके एंड राइट डाउन ओके, नो यू जस्ट ऑब्जर्व एंड कॉन्सेंट्रेट। अगर मैं ऑनवर्ड कोई क्वेश्चन आपको बोल के बताती हूँ फिर आपने उसको कैसे करना है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट आपको वर्ड्स में गिवन है 7132।
7132. क्लियर? तो अब क्या हो रहा है आपके पास, आप इसको देखिए, हमने इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है. जब वर्ड्स में कन्वर्ट करना है के वर्ड्स में गिवन है, नंबर्स में कन्वर्ट करना है. जब नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो हमने क्या करना है, सेम आप लोग अपने लिए पहले देखिए, यहां मैंने प्लेस वैल्यू राइट की है. आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चे कि आप बगैर प्लेस वैल्यू की भी क्वेश्चन डायरेक्ट राइट कर सको. ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड है. उमेर जावेद आप कहाँ हो, आप नजर नहीं आ रहे बच्चे कैमरे के सामने. वेयर इज उमेर जावेद? आप सो रहे हो आई थिंक, और आपके पेरेंट्स ने कैमरा ऑन किया है और आपकी बिल्कुल सामने आ रही है. बी अलर्ट उमेर जावेद, अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर दूंगी क्लास से. सोते हुए तो क्लास नहीं ली जाती. सनान खान, अलर्ट रहे आप सारे लोग. और लेट की कोई भी बंदा क्लास नहीं लेगा, अदरवाइज मैं उसको यहां से रिमूव कर दूंगी और उनकी अटेंडेंस काउंट नहीं होंगी. क्लास आप लोग कुछ सीखने के लिए ले, ये नहीं है कि आप अटेंडेंस के लिए ले. जो लोग भी अलर्ट नहीं है उसको मैं यहां से रिमूव करती जाऊंगी और उनकी अटेंडेंस हम नहीं काउंट करेंगे. इज इट क्लियर? उमेर जावेद आप जाग जाए, फेस वॉश करें और बी अलर्ट. ओके, 7132. अब देखिए, थाउजेंड में हमारे पास फोर डिजिट नंबर थाउजेंड में काउंट होता है. सेवन चला जाएगा थाउजेंड वाले कॉलम में, वन चला जाएगा हंड्रेड वाले में, थ्री चला गया है थर्टी, थर्टी मीन थ्री टेंस, टू वंस. सो द नंबर इज 7132. बोलेंगे कैसे, 7132, 7132. दो आताज अलर्ट. ओके, 7132 आपके पास नंबर में आ गया है. नेक्स्ट देखें, अब आपके पास है फाइव डिजिट नंबर. नंबर को पहले रीड करें, क्या राइट किया है मैंने, रीड आउट द नंबर हरिया, 24,000. रीड आउट, रीड आउट, ऑल ऑफ यू रीड आउट लाउडली कि मुझे साउंड आए. 24,613. दो आताज भी सो रही है. 24,613. ओके, क्या है 24, रीड आउट द नंबर. बच्चे आप रीड करेंगे, आपकी साउंड मुझे आएगी, हम अब तब आगे जाएंगे. रीड करें, 24,000, यस 600, वेल डन, एंड 13. जैनब सो रही है आप? ओके, अब हमने प्लेस वैल्यू जब राइट करनी है 10,000, क्योंकि 24,000 है, ऑटोमेटिकली हम जाएंगे फिफ्थ वन प्लेस वैल्यू पे जो 10,000 होगी. 1000 एंड 10,000 हमने स्टार्ट में ये बात क्लियर की थी कि सिर्फ 100 फ्रेंडशिप नहीं करता, 100 फ्रेंडशिप नहीं करता. टेंस एंड वंस हमेशा फ्रेंड्स मिलके फ्रेंड्स की तरह रीड होते हैं. सो 24,613 कितने डिजिट नंबर बना, वेल डन, फाइव डिजिट नंबर बन गया है. क्लियर? तो नंबर्स में हम कैसे राइट करेंगे, 24,000 साथ में कोई जीरो नहीं होगा. जीरो हम तब राइट करेंगे बच्चे जब कोई प्लेस वैल्यू हमारे पास एम्प्टी आए, वहां पे कोई नंबर ना हो. बस एम्प्टी प्लेस वैल्यू को फिल करने के लिए हम जीरो पुट करते हैं, अदरवाइज हम जीरो पुट नहीं करेंगे. इज इट क्लियर? ओके जी, अब है प्रैक्टिस टाइम, बी रेडी. ओके, योर रफ नोटबुक सामने रख के अब आप लोगों की प्रैक्टिस टाइम है.
बी अलर्ट वन बाय वन, ओके सारे। चलिए जी, राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स। फर्स्ट वन क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स। 6,240 राइट डाउन इन योर रफ नोटबुक। हरी अब हु हैव डन, जो फर्स्ट करेगा वो विनर होगा। आप लोगों ने जैसे ही आप सॉल्व करें, आप अपने रफ नोटबुक को अपने मोबाइल कैमरे के सामने रख के मैं आप लोगों का क्वेश्चन चेक कर दूंगी जी। साद हयात, ज़ैनब, हमना कैसर, ताहा, मोहम्मद अहमद, सुदेश, मदीना, अपना कैमरा ऑन करें कि आप मुझे नजर आए। कैमरा ऑन रख के हरियो, ओके नेक्स्ट रन करें। 8,575 नेक्स्ट क्वेश्चन भी करें। वर्ड्स बच्चे, मैंने वर्ड्स में राइट किया है, आप लोग इसको किस चीज में राइट करेंगे? इन न्यूमरल्स में। इज इट क्लियर? आप इसको न्यूमरल्स में राइट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, 567 न्यूमरल्स में लिखे, डिजिट में लिखे। राइट करें, हमना कैसर लगी है, वेल डन, ज़ैनब कर रही है, रुमैसा आलमगीर नजर आ रही है, ताहा नजर आ रहा है, और साद हयात लेटा हुआ है। साद हयात, वेयर इज योर रफ नोटबुक, हरी अप। अजलान शाह, वेल डन, हाशिर, वेयर इज योर रफ नोटबुक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करें। क्वेश्चन नंबर 4, 34,370 गुड साद हयात। नेक्स्ट टू क्वेश्चन भी करें, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करें, नेक्स्ट भी करें, हरियर। सैफुल्ला, वेल डन, आयमा आप नहीं कर रही, वेयर इज योर रफ नोटबुक, आयमा खान, सुदेश, कैमरा ऑन करें क्या मुझे नजर आए। ओके हो गया। चले, आप लोगों ने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब आप लोग अपने आंसर भी चेक करेंगे और अपनी जो नोटबुक है वो जरा स्क्रीन के सामने करें। शाबाश कि मैं चेक करूं, स्क्रीन के सामने करें अपनी नोटबुक। 4 क्वेश्चन जिन्होंने सॉल्व कर लिए हैं, आंसर्स राइट किए हैं, स्क्रीन के सामने अपनी नोटबुक रखें। स्पीड, कैमरे ऑन करें सारे, क्योंकि इट्स मीन आप लोगों ने काम नहीं किया है। वेल डन रुमैसा आलमगीर, वेरी वेल डन आमिर खान, एमन, आयमा क्लियर नजर नहीं आ रहा बच्चे आपका, मोहम्मद रेयान, एक्सलेंट वर्क जी, हमना कैसर, हमना आप अपना जो कैमरा है वो ऑन कर ले तो आप मुझे विजिबल होंगी, आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है मैं सॉल्व करती जाऊंगी। हो गया, ओके चलिए, आप अपने आंसर आप खुद भी जरा टेली कर ले। जिन जिन की विजिबिलिटी आ रही है उनकी मैं चेक करती जा रही हूं, जिनकी नहीं विजिबिलिटी आ रही
वो लोग जरा चेक कर लें, क्योंकि आप लोगों के पेंसिल वर्क है तो वो कैमरे के सामने ज्यादा विजिबल नहीं आ रहा। ठीक है, जिन्होंने ट्राई किया है अगर उनमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है, वाइल्डर उन लोगों ने कोशिश की है, आप बार बार ट्राई करोगे आप लोगों के क्वेश्चन खुद ब खुद करेक्ट होते जाएंगे। ओके, आप फर्स्ट टाइम नहीं कर सकते, सेकेंड टाइम कर लेंगे, इट्स ओके, लेकिन आप लोगों ने ट्राई मस्ट करना है। ये आपके आंसर से, अब अपने आंसर से इसके साथ टेली करें और खुद को खुद ही स्टार दे दे, ठीक है ना, जिनके बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां चीटिंग नहीं करनी। अब आप सब लोगों के कैमरे तकरीबन ऑफ हो चुके हैं, क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस चेक कर रही हूं, तो अब आप लोगों की कैमरेज ऑफ हो रहे हैं। जी मोहम्मद अहमद, शो मी, क्लियरली शो करे जरा कि मैं चेक करूं। मनाहिर रहमान, क्लियरली शो करे तो मुझे विजिबल हो जाएंगे, मैं चेक कर लूंगी। ओके, चेक हो गया, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले, क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट ले, फिर आप दोनों को टेली कर ले। ठीक है, जहां जहां प्रॉब्लम है उसको दोबारा कर ले। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है? Write down your homework, student. Write the following enumerals. जी मोहम्मद अहमद खान, well done बच्चे, काम आपने किया है, लेकिन still मुझे ज्यादा विजिबल नहीं है। आई एम नॉट कन्फर्म, यू आर चेक द नेक्स्ट वन स्लाइड। ओके, आप नेक्स्ट स्लाइड के साथ उसको चेकआउट करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन well done आपने किया है, दैट्स गुड। ओके, नाउ नोट डाउन योर होमवर्क, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन सुनूंगी, उसको सॉल्व करेंगे, उस पे वर्क करेंगे। आप अपना होमवर्क नोट कर ले। राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स। फर्स्ट वन आपके पास है 450, सेकंड वन है 3214। ये न्यूमरल्स में गिवन है ऑलरेडी, ठीक है ना। ये देखिए, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स में गिवन है, ये आप लोगों ने क्या करना है, वर्ड्स में लिखने हैं, अगेन नॉट इन न्यूमरल्स। आप लिखने इसको क्या करना है, ये वर्ड्स में करने हैं। ओके, न्यूमरल्स में नहीं, इसको आपने वर्ड्स में करना है। ठीक है, किस में लिखना है, वर्ड्स में करना है, सही है, इसको वर्ड्स में लिख के। न्यूमरल्स में गिवन है, आपने इसको क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो आप लोगों की अगेन प्रैक्टिस हो जाएगी। न्यूमरल्स में आपको गिवन है, आप इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करें। समझ आ रही है, क्लियर? ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने। अच्छा जी, अब आपके पास है क्वेश्चन, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है,